हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सी और क्विक सी चिकन की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल को कढ़ाई में डाला और अच्छे से तेल जब गर्म हो गया तो उसमें सूखे खड़े गरम मसाले जो है उसको मैंने डाल दिया। गरम मसाले में आप अपनी पसंद के कुछ भी दे सकते हो, जैसे इलायची, तेज़पत्ता, जीरा, और उसके बाद फिर स्लाइस किए हुए मैंने प्याज को डाल दिए। थोड़े से ही प्याज मैंने दिए हैं, हाफ़ प्याज मैंने दिया और बाकी के दो प्याज मैंने पेस्ट कर दिए हैं मिक्सर ग्राइंडर में, और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। और ये तेल से जो बबल्स आ रहे हैं ना, तो ये मत समझना कि मतलब तेल ख़राब है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है जब तेल हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे थे ना बॉटल में, तो थोड़ा सा उसमें पानी, मुझे जैसा लगता है पानी उसमें चला गया, इस वजह से बबल्स आ रहे हैं। और हमेशा ऐसा नहीं होता, इसी बार हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। कोई नहीं, खाने का टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और जैसे ही प्याज मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए थे, उसके बाद मैंने पेस्ट किए हुए प्याज जो है, सिर्फ प्याज का पेस्ट इसमें डाला है, और इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। वैसे जलेगा नहीं अभी, इसको मैं ढक के रख दूँगी और 5 से 8 मिनट का टाइम लगेगा इसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने में तेल को। तो 5 से 8 मिनट के बाद मैंने जब चेक किया तो देखिए अभी भी जो है मेरे अच्छे से पके नहीं हैं प्याज, इसको और भी चलाना बाकी है। तो यही वो टाइम होता है, मसाला अच्छे से भूनना चाहिए आपका, और इसी में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो कम से कम आपको 10 मिनट तो आराम से इसमें तसल्ली के साथ, एकदम पेशेंस के साथ इसको आप जो चलाते रहना है मसाले से हल्की हल्की जो खुशबू आने लगेगी, आपको पता चल जाएगा कि मसाला भून चुका है। तो इसको मैं अभी ऐसे ही छोड़ दूँगी ढक के थोड़ी देर, और लगभग और 3-4 मिनट के बाद मैंने जब चेक किया तो लगभग थोड़ा बहुत हो चुका था, अभी और थोड़ी सी कसर बाकी थी इसमें। तो इसी में थोड़ा सा जो टाइम लगता है, उसके बाद चिकन में जो फ्राई करने में जो टाइम लगता है, उसके बाद तो झटपट बन ही जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो टोटल ये इस चिकन को बनाने में ना मुझे 40 मिनट्स लगे थे, कढ़ाई में बना रही हूँ, बिना बॉयल किए हुए चिकन को ही बना रही हूँ मैं। तो इस तरह से आपके जो प्याज हैं और मसाले जो है भूनकर इस तरह से गोल्डन ब्राउन से देखने में लग जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना, मतलब दिखाई दे रहा है ना कैमरे में, मुझे जैसा लग रहा है कि कैमरा थोड़ा सा दूर हो गया है कढ़ाई से मेरे। अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं नेक्स्ट टाइम से फॉलो करूँगी उस चीज़ को। और अच्छे से कढ़ाई में देखिए चिपक भी नहीं रहा, मसाला अच्छे से भून गया है मेरा। अब जो मैरिनेट किए हुए मेरे चिकन है, इसको मैंने 1 घंटे पहले मैरिनेट किया था। मैरिनेशन में मैंने दही डाला था, नमक डाला, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर डाला था, थोड़ा सा 1-2 स्पून के करीब मैंने कच्चा सरसों का तेल डाल के इसको अच्छे से मैरिनेशन के लिए रख दिया था। और हाँ, लहसुन को मैंने कूट के इसी में मैरिनेशन के टाइम में ही डाल दिया था। तो 1 घंटे तक चिकन मेरी अच्छे से मैरिनेट हो गई थी, तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है इस तरह से अगर आप मैरिनेट करके रखोगे तो। 600 से कुछ ज़्यादा है ये चिकन मेरी क्वांटिटी, और जिसके लिए मैंने 3 बड़े प्याज को लिया था। तो हाफ प्याज मैंने फ्राई करते टेस्ट में डाला, 2 प्याज को मैंने पेस्ट कर दिया मिक्सर ग्राइंडर में, सॉरी आपका 2 प्याज से ज़्यादा जो हाफ मैंने काट के रखा था फ्राई करते समय, वो टोटल मैंने 2.5 जो है प्याज मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट करके डाला। तो ये थे टोटल मसाले मेरे। और लहसुन मैंने लिया था लगभग 15 से 18 का लिया मैंने लहसुन की ली थी। तो इस तरह से जो इस समय आपको आँच को ना बिल्कुल मैक्सिमम में रखना है, लो में नहीं रखिएगा, जब तक कि पानी बहुत छोड़ेगा। लेकिन जब आप दही से मैरिनेट करोगे ना तो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है, तो यही है इसकी मेन खासियत है, इसी पानी से ये चिकन अच्छे से कुक हो जाएगा। तो आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बिल्कुल ही कम ऑयल में ये चिकन बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाता है। जब बन के तैयार होगा तब आप देखिएगा, न ज़्यादा ना कम मेरा ऑयल का क्वांटिटी है, और एकदम मैंने ज़्यादा सा भी ज़्यादा ऑयल नहीं दिया था। आप अपने अंदाज से ऑयल डालिएगा,
आप जैसा ऑयल खाना पसंद करते हो, वैसे मैं हर खाने में ऑयल थोड़ा कम ही डालना प्रेफर करती हूँ। और इस तरह से देखिए मेरे आँच जो है बिल्कुल हाई पे है, और हाई पे ही इसको पकाना है जब तक कि ये हल्का हल्का ब्राउन ना हो जाए। अभी लेट है क्योंकि अभी भी पानी छोड़ रहा है देखिए साइड से, और अभी इसको ऐसे ही चलाते रहना है बिना किसी और मसाले ऐड कर किए हुए। अभी कुछ मसाला मैं इसमें नहीं डालूँगी, जो मैरिनेशन के टाइम में मसाले मैंने डाले थे बस उतना ही। बस इसको चलाते जाना है चलाते जाना है, जब आपको लगे कि नीचे लग रहा है तब आप आँच को लो मीडियम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने लास्ट व्लॉग में पम्पकिन की रेसिपी पोस्ट की थी, तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि बहुत ही अच्छी डिलीशियस सी लग रही है। तो सच में फ्रेंड्स वो सब्ज़ी बहुत ही डिलीशियस लगी भी थी खाने में, और देखने में बहुत यम्मी लग रही थी। तो मैं जो भी रेसिपीज़ मुझे लगेगी कि मुझे पोस्ट करना चाहिए या हटके कुछ भी मैं बना रही हूँ तो मैं ज़रूर से वो पोस्ट कर दूँगी। और आपको कौन कौन सी रेसिपीज़ जाननी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से लिख के बताना, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग जो है रेसिपी बना के पोस्ट कर सकूँ, ठीक है। और ये देखिए, आपसे बात करते करते ही जो है मेरी हाफ़ चिकन जो है फ्राई हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो भी चुका है देखिए। अब मैं ये जो पेस्ट डाला मैंने, इसमें सिर्फ टोमेटो का पेस्ट है। ये मैंने एक बड़ा साइज़ का टोमेटो लिया था, और एवरेस्ट की चिकन करी मसाला आपको मार्केट में हमें अवेलेबल हो जाएगी किसी भी ग्रॉसरी शॉप में। तो ये मैंने हाफ़ के करीब था बचा हुआ, तो मैंने उसको डाल दिया है। वैसे मैं होममेड जो मसाले मैं रखती हूँ ना, जीरा का पाउडर, धनिया पाउडर, मैं उस स्टेज में अभी इसमें डाल रही हूँ। ये मेरे घर के ही मसाले हैं, और एक मिक्स मसाला मैं बना के भी रखती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको जाननी है कि मिक्स मसाला कैसे बनाते हैं, जो कि आप चिकन में या फिर किसी भी सब्ज़ी वगैरह में भी आसानी से सब्ज़ी मसाला भी डाल सकते, कैसे बनानी है अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपके लिए सेपरेट एक वीडियो उसका भी बना दूँगी। काली मिर्च का पाउडर भी मैं अलग से बना के रखती हूँ, तो वो भी मैंने इसी स्टेज में डाल दिया है। अभी हरे खाने में थोड़ी बहुत काली मिर्च मैं डाल रही हूँ, क्योंकि अभी ना थोड़ी सी गले में खराश, सबको सर्दी लगी है, खांसी भी हल्की हल्की हो रही है, तो हर एक खाने में मैं अभी काली मिर्च थोड़ी बहुत डाल देती हूँ। और इस तरह से जब आप मसाले को पेस्ट करके डालते हो ना, तो बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर जो है हर एक खाने का आ जाता है। देखिए इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है अभी से, अभी तो पका भी नहीं है, बनने के बाद तो और भी अच्छा लगेगा। कैमरे में शायद आपको फीकी लग रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी फीकी लग रही है कैमरे में, लेकिन इतनी फीकी है नहीं, कलर बहुत ही अच्छा यम्मी सा आया है। ये मुझे लेकिन डार्क लग रही है, लेकिन कैमरे में थोड़ी सी फीकी लग रही है, शायद लाइट की वजह से हो सकता है। इस तरह से आप बना के देखना और मुझे कमेंट करके बताना किन किन लोगों ने ट्राई किया। इस तरह से दही देकर मैरिनेट करके चिकन बनाओगे तो आप फटाफट बन भी जाती है, ज़्यादा कुछ झमेला भी नहीं होता। जितनी देर में, जैसे कि आपका मसाला पकने में 8-9 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, उस समय में आप कुछ और भी काम कर सकते हो। ऐसे नहीं कि गैस के सामने ही आपको खड़े रह के लगातार ऐसे चलाते ही रहना है, तो तसल्ली रहती है कि इस तरह से मैरिनेट करके बनाओगे तो हेडेक भी नहीं रहता है। हम मल्टीपल काम भी कर सकते हैं खाना बनाते बनाते। जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अब भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की कंटेंट आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। अगर आप चाहो मेरी शॉर्ट्स वीडियो भी देखना, तो इसी सेम लिंक पे ऑनर्ड मॉम चैनल में ही शॉर्ट्स वीडियो भी मैं डालती हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हो तो ऑनर्ड मॉम चैनल में जाके शॉर्ट्स भी देख सकते हो। तो आपसे बात ही करते करते मेरी हाफ़ चिकन कुक हो चुकी है, एक ग्लास पानी मैं यहाँ पर डाल दूँगी, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पानी इसमें डाल दीजिएगा। इतना ही पानी डालेगा कि उस पानी में आपका चिकन आराम से कुक हो जाए, और ज़्यादा ग्रेवी जैसा आप पसंद करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई कम पतली ग्रेवी रखते हैं, तो कोई गाढ़ी ग्रेवी पसंद करते हैं, मुझे गाढ़ी ग्रेवी थोड़ा चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, तो राइस के साथ खा सकें इस तरह से मैं ग्रेवी रखूँगी इसमें। और फ्रेंड्स, मेरे ना गरम मसाले बिल्कुल फिनिश हो गए थे, तो आपके पास अगर होम मेड गरम मसाले हो तो आप ज़रूर से डालना, और मैं यहाँ पर नहीं डाल पाई,
लेकिन टेस्ट में मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं इतना सारा मसाला डाल चुकी हूँ ना कि मुझे गरम मसाले की ज़रूरत ही नहीं है। तो होता तो और भी चार चांद लग जाता गरम मसाला से, लेकिन थे नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी मैं गरम मसाला ज़रूर से ऐड करूँगी। और इसमें देखिए नमक मैंने स्टेज में डाला। फ्रेंड्स, जब मैं जब चिकन मैरिनेट किया था उस समय मैंने ना एक ही बार में नमक डाल दिया था, तो अभी जो मैंने पानी ऐड किया है ना ग्रेवी के लिए, तो उसके लिए हल्का सा मुझे लगा कि नमक ऐड करना चाहिए क्योंकि ग्रेवी में नमक कम हो जाती, तो उसी वजह से मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। वरना मैरिनेशन के टाइम में ना आप अपने अंदाज से उसी समय नमक डाल दो, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छे से आपकी ना चिकन एकदम कुक हो जाएगी, बिल्कुल ना ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा ना ज़्यादा हार्ड रहेगा, बहुत ही अच्छा एकदम परफेक्ट सा चिकन बन के आपका रेडी हो जाएगा। ये देखिए अभी भी कैमरे में फीकी लग रही है, मुझे तो मतलब आस पास से बहुत ही अच्छी इसकी कलर वगैरह बहुत ही अच्छी आई है, फीकी लग रही है पता नहीं क्यों कैमरे में इस तरह से। अब इसको तसल्ली से ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के अंदर इसको बीच बीच में चेक करते रहना है। तो ये देखिए बन के तैयार हो चुकी है। 10 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया आपके सामने। देखिए मेरे चिकन कहीं से भी टूटी नहीं है, ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं हुई है। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। हैव नाइस डे, बाय बाय।